शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में मातृभाषा के पदों को महत्व देगी राज्य सरकार। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी एंड लेटेस्ट न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षक भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पक्ष में शिक्षा मंत्री की बल्लभ भवन में अधिकारियों से चर्चा हुई है और उस चर्चा के बाद मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मातृभाषा के पदों के लिए महत्व देगी सरकार और नियम अनुसार पदों में वृद्धि के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है। चलिए तो पढ़ लेते हैं पूरी न्यूज़ की, न्यूज़ क्या आई है। आखिरकार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में संस्कृत हिंदी जैसे मातृभाषा के पदों को महत्व देने के लिए विभाग में सक्रियता दिखने लगी है। पिछले दिनों इन विषयों के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का पक्ष सुनने के बाद शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा की है। सोमवार को समीक्षा बैठक में भी मंत्री ने इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पूरी जानकारी ली। बताना होगा कि पिछले सप्ताह उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिला था। उन्होंने बताया कि लगभग 9 वर्षों के पश्चात प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती हो रही है। 2011-12 में पिछली बार संविदा शिक्षकों की भर्ती हुई थी। लंबे इंतजार के बाद इस बार स्थायी शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, जिसमें कई विसंगतियों को देखने मिल रही हैं। पात्र अभ्यर्थियों के द्वारा गठित युवा बेरोजगार संघ ने पीड़ा बताई थी कि उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पदों का वितरण किया गया है वह न्याय संगत नहीं है। एक या दो ही विषयों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि प्रत्येक विषय के हजारों पद अभी भी रिक्त हैं। खासकर हिंदी उर्दू जैसे विषयों की इस भर्ती प्रक्रिया में खुलकर उपेक्षा की गई है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश शिक्षित युवा बेरोजगार संघ एवं शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ गया है। इसके पूर्व यह अभ्यर्थी मुख्यमंत्री निवास पहुँच कर ज्ञापन पत्र के माध्यम से सीएम को पीड़ा बता चुके हैं। अभ्यर्थियों का पक्ष सुनने के बाद मंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कमेटी गठित की है जांच के लिए। कमेटी निष्पक्ष रूप से जांच करें, यह भी आदेश दिया है। उधर भी मांग की है कि स्थायी शिक्षक भर्ती की कमेटी के द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच हो, समस्त विषयों एवं भाषाओं को महत्व देते हुए स्थायी शिक्षक भर्ती की जाए, जिससे कि प्रत्येक विषय के अभ्यर्थियों को स्थायी रोजगार के साथ साथ शासकीय सेवा में जाने का अवसर प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिया था कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ पूरी तरह न्याय किया जाएगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की समस्या को शिक्षा मंत्री ने गंभीरता से लिया। अभ्यर्थियों से मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा था कि प्रदेश में संस्कृत और हिंदी जैसे स्थायी भाषाई पदों को महत्व दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार सोमवार को मंत्रालय में समीक्षा बैठक के दौरान भी मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस विषय पर अधिकारियों से विस्तार के साथ चर्चा की। यह भी अभ्यर्थियों का कहना है कि मंत्री जी के आश्वासन पर हमें पूरा भरोसा है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया विसंगतियों को सुधारने के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा गठित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष का कहना है कि मंत्री द्वारा जो आश्वासन दिया गया है हमें उस पर पूरा भरोसा है। अब देखा जाएगा कि पदों में कितनी वृद्धि की जाएगी और कब तक इन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।